आपके कल में जो हुआ वो अब खत्म हो चुका, सामने आपका भविष्य है जिसको आप सुधार सकते। और यदि भविष्य सुधर गया तो आपके कल में आप कितने असफल थे इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको मेहनत करनी होगी, याद लगानी होगी। झूठ कहती है दुनिया की 22 लाख बच्चों का कंपटीशन है, नहीं है, मैं देख रहा हूँ ना 22 लाख बच्चा बचा ही नहीं है। 22 लाख में कंपटीशन है ही नहीं, कंपटीशन तो आखिरी 1-1.5 लाख का ही कंपटीशन है, कंपटीशन 22 लाख का ही नहीं, यही आखिरी के 3 लाख बच्चे हैं जो कम्पीट करते हैं। बेटा यही तो सच्चाई है ना, मैं कितनी बार बोलता हूँ आपसे कि रिजल्ट रिजल्ट वाले दिन नहीं आता है, उससे बहुत पहले आ चुका होता है। रिजल्ट वाले दिन बस आपके सामने दिख जाता है, आता उस दिन नहीं, रिजल्ट आपके सामने अभी भी है, बस आप देखते उस वक्त उसको जाके। 22 लाख बच्चों में कंपटीशन नहीं है, लास्ट के 3 लाख बच्चों का 15%। हम लोग बार बार बोलते हैं ना कि 22 लाख बच्चे बैठेंगे, इतना बड़ा कंपटीशन है, 3 लाख बच्चे है ना, यहाँ होता है कंपटीशन, 3 लाख स्टूडेंट्स, ये है एक्चुअल कंपटीशन आपका। और अब यही लोग बचे हुए हैं, फिर ये गिरते गिरते वहां से और कम होता जाएगा ये डेटा, 5%, 4%, फिर वो अंत वाले बच्चे पहुंचते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। क्या डिस्ट्रैक्शन है आपके जीवन में? मोटिवेशन की कमी है, डिस्ट्रैक्शन है कि सर मोटिवेशन नहीं है, सर लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शन है। भगवान पे विश्वास करने वाले को, और जब मैं भगवान बोल रहा हूँ तो अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने क्रिएटर को आप मान लें, भगवान पे विश्वास करने वाले को हमने बोला कि वो गवार है। जो भी व्यक्ति होता है जो भगवान पे विश्वास करता है, हम लोग कहते हैं ये तो बहुत पुरानी सोच का है, ये तो गवार है, साइंस ये कहती है, साइंस वो कहती है। मैं तो फिजिक्स का ही टीचर रहा हूँ, आप इतिहास के जितने बड़े साइंटिस्ट उठा लो, सब ये कहते हैं कि ये दुनिया किसी ने बनाई है, अपने आप नहीं बनी। हाँ, वो रचयिता जो है दुनिया का, वो देखने में कैसा होगा हमें नहीं पता है, इसीलिए उपनिषद कहती भी है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई शेप नहीं है, पर है। मॉडर्न समय में क्या हुआ कि हम उससे दूर हो, हमें लगा कि बहुत कूल होगा अगर हम बोलेंगे कि आई एम एन एथिस्ट, आई डोंट बिलीव इन गॉड, हमें लगा ये बहुत कूल है। और आप देखो जैसे जैसे आप अपने भगवान से, आप किसी भी भगवान को आप मान सकते हो, अंत में सब ऊपर एक है, आप यहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, रचयिता तो एक ही होगा ना। तो आप जब उससे दूर होते हो तो आप बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, समझ रहे हो? आपको अपने माता पिता, अपने भगवान, इन सब के साथ समय बिताना होगा, इस दूषित दुनिया से, इस कलयुग के शैतान से बचने। आप जिस भी भगवान को मानते हो उसके सामने जाके हाथ जोड़ना, या जिस भी तरह से आप प्रेयर करते हो उस तरह से प्रेयर करना, शक्ति मांगना अपने अंदर, वही आपका असली साथी है, उसने ही आपको बनाया है। इनसे शक्ति लेना, इनसे बात करना, जीवन में सुधरते हैं, कुछ बहुत बढ़िया जीवन में करें, वापस शक्ति लेंगे। और आपको अपने कल को अब भूलना पड़ेगा। जब तक बेटा आप दुख को नहीं छोड़ोगे, दुख आपको नहीं छोड़ेगा। अतीत के बोझ को लेकर आप कभी भी भविष्य में मत जाओ। आपके कल में जो हुआ वो अब खत्म हो चुका, सामने आपका भविष्य है जिसको आप सुधार सकते। और यदि भविष्य सुधर गया तो आपके कल में आप कितने असफल थे इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं। ये जितनी भी चीजें आपको आसपास लग रही है, और जो भी दोस्त आपको कह रहा है कि तू इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं है, तू व्हाट्सएप पे डीपी क्यों नहीं चेंज कर रहा है, अरे यार तेरी फोटो एडिटेड क्यों नहीं, अच्छी एडिटेड फोटो लगा ना, बढ़िया से हम लोग एक रील बनाते हैं ना, एक अच्छी फोटो खींच के डालते हैं ना, वो दोस्त बुरा नहीं है, डिसिप्लिन की कमी है। द बिगेस्ट थिंग दैट इज लैकिंग इन ऑल ऑफ यू इज डिसिप्लिन। आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। मोटिवेशन से आप एक बार शुरू तो कर देते हो, मोटिवेशन सर्च करके एक मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने आता है, जहां मैं या कोई भी व्यक्ति आके आपको मोटिवेट करता है, अगर आपका ये सपना है तो आपको मेहनत करनी होगी, आग लगानी होगी। आपके अंदर काम शुरू करने की आग तो लग जाती है, पर काम करते रहने की आग सिर्फ डिसिप्लिन लगाएगा आपके अंदर। आप अकेले हो ना तो अपने मेहनत को अपना साथी बनाओ, अपने हिम्मत को अपना साथी बनाओ, अपने कर्म को अपना साथी बनाओ, अपने कर्तव्य को अपना साथी बनाओ, अपने सपने को अपना हमदम बनाओ। मोहब्बत करनी है अपने सपने से करो भाई, अपने कर्म के साथ समय बिताओ, समय बीतेगा, समय बदलेगा, आप चमक के वापस